फ्रेंड्स, अब हम लोग तैयार हो गए। आज हम लोगों को तीन जगह जाना है। सोनिया अरोड़ा भाभी के यहाँ मकान का मुहूर्त है आनंदम सोसाइटी में। आप सबको पता है पूस के महीने में कोई शुभ काम नहीं होते। जैसे ही पूस का महीना खत्म हुआ, सारे प्रोग्रामों की शुरुआत हो गई। लोहड़ी से हम पंजाबियों की शुरुआत हो जाती है और संक्रांति से सभी लोगों के शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। आज हमें आनंदम सोसाइटी में जाना है। हम सोनिया अरोड़ा भाभी का मकान का मुहूर्त है, उसके बाद फिर हमें टेकरी पे जाना है। वहाँ पे पद्मा अरोड़ा भाभी ने भंडारा रखा है और शाम को फिर हमें जाना है कनिका सडाना भाभी के यहाँ। उन्होंने लोहड़ी का प्रोग्राम रखा है, उनकी बहू की लोहड़ी है पहली। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह से निकलेंगे, आज तो पूरा दिन हो जाएगा, पूरे दिन का दौर लगाना है हमें, पूरे दिन का टूर हो जाएगा गुना में। तो चलिए, आज की लोहड़ी भी मैं आपको दिखाऊंगी। दो दिन से आप लोग देख रहे हो पंजाबियों की धमाल, और आज की भी मैं आप लोगों को धमाल दिखाऊंगी। सोनिया अरोड़ा भाभी के यहाँ पाठ की समाप्ति हो गई और वहाँ पे आज लंच था। अब हम लोग जा रहे हैं टेकरी पे, हनुमान टेकरी पे। आज पद्मा अरोड़ा भाभी ने भंडारा रखा है, तो अब हम लोग टेकरी पे प्रसाद खाने जा रहे हैं। और मैं अपने साथ साथ आप सभी लोगों को टेकरी के दर्शन कराऊंगी, जो कि गुना का एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी आ जाइए, टेकरी पे चलते हैं। हेलो जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम आ गए हैं टेकरी सरकार पर उनका आशीर्वाद लेने, और भंडारा चखने आ गए हैं। आज हम यहाँ प्रसाद लेने आ गए हैं। तो मेरा चैनल है अल्पास क्रिएशन, एंड वेलकम बैक टू आंटीज चैनल। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, बाबा सलोन एंड स्पा जो नीचे दिया हुआ है नाम, उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आज दो यूट्यूबर गुना में एक साथ मिल गए, हालांकि मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूं। नहीं नहीं, हम दोनों बहुत छोटे, मेरा परिवार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों का थैंक यू। ये हमारी सुंदर सी बुआ है, छोटे इसकी बुआ भी आ गई, मेरी सुंदर सी बुआ है, मतलब मैं उनसे ज्यादा सुंदर हूँ। और नहीं, मेरी बुआ से सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। उसकी उम्र में बुआ भी बहुत सुंदर हुआ करती थी। और आपको हम दोनों यूट्यूबर बिना मेकअप के, तो हमारे दोनों के ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने घर में टीवी चलाना और उस पे व्लॉग लगाना और सबको दिखाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, बाय बाय। जल्दी जी अपने शूज उतार के आ रहे हैं और चलिए अब हम लोग टेकरी सरकार के दर्शन करते हैं। चलिए टेकरी सरकार के दर्शन करते हैं। आज हम लोग भी आ गए टेकरी सरकार और अब दर्शन करते हैं टेकरी सरकार के, फिर भंडारा खाएंगे और भंडारा खा के चलते हैं वापस। Thank you.
लल्ली जी तो थक गए, सांस फूल गई दाल बापले खा के। लल्ली जी ने दाल बापले खाए आज तो इनकी सांस फूल गई है बहुत जोर से। अब लल्ली जी आराम करेंगे घर जाके। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हनुमान टेकरी और अब मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। हमारे गुना में एक और टेकरी बन रही है, राम टेकरी। ये प्रभु श्री राम की मूर्ति बनना स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्दी गुना के लोगों को एक और दर्शनीय स्थल मिलने वाला है। सभी गुनावासी बहुत खुश हैं। राम टेकरी और हनुमान टेकरी दोनों एक साथ, जब राम टेकरी पूरी तैयार हो जाएगी तो दोनों के दर्शन एक साथ हुआ करेंगे। हमारी गुना की टेकरी के भी बहुत सुंदर नज़ारे हैं, आसपास देखिए आप। आप लोग कभी भी गुना आए तो हमारी हनुमान टेकरी के दर्शन जरूर करके जाएं और धीरे धीरे करके राम टेकरी का भी दरबार बनता जा रहा है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं इधर के भी। अब तो मेरी भी सांस फूल गई। देखिए फ्रेंड्स, गुना में भजन की शूटिंग चल रही है आज हमारी टेकरी पे। भजन की शूटिंग चल रही है तो ये भजन कल लॉन्च हो जाएगा ना भैया, ये भजन कल लॉन्च हो जाएगा तो आप लोग भी सब देखिए। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भजन जो गुना वालों ने बनाया है, बहुत सुंदर भजन, तो आप लोग भी देखिए। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर करूंगी। देखिए हमारी हनुमान टेकरी के कितने सुंदर नज़ारे, आपको इधर से पूरा गुना नजर आएगा। ये रल्ली जी तो बार बार थक जाते हैं और बार बार खड़े हो जाते हैं। थक तो मैं भी जाती हूँ वैसे, पर मैं क्या करूँ, मुझे ज्यादा बच्चा बनने की आदत है, मेरे अंदर का बच्चा जिंदा हो जाता है बार बार। वो बोलता है चल फिर से ब्लॉग में बकवास कर। चलिए, लेकिन आज मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, आज मैं प्रभु श्री राम के और हनुमान जी महाराज के आप सबको दर्शन करवा रही हूँ। देखिए यहाँ से राम टेकरी और सुंदर दिख रहा है। ये देखिए हनुमान जी का दरबार बहुत सुंदर, पूरा वाइट मार्बल का बना है दरबार प्रभु हनुमान जी का, और प्रभु श्री राम का भी बनने वाला है। प्रभु श्री राम का दरबार भी बनने वाला है राम टेकरी के। मैंने आपको कराए दर्शन और ये देखिए ये हमारे कलाकार जो प्रभु श्री राम के भजन के लिए तैयारी करे हुए हैं और गेटअप में आए हैं। कलाकार जो भजन की इन लोगों की शूटिंग चल रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। कल लॉन्च होगा आपका भजन? अभी नहीं, अभी नहीं। 16 तारीख को, 16 तारीख को यूट्यूब पे। किस नाम से आएगा? एमपी प्रोडक्शन करके, एमपी प्रोडक्शन पे। चलिए मैं आपको इसका लिंक अपने शेयर ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। और बाबा सलोन एंड स्पा, मेरे फैमिली व्लॉग बनते हैं रोज के। हाँ जी मैडम, कार्ड ले लो नंबर। थैंक यू, ऐसे ही भेजते रहना और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम। आपका नंबर। हमारा गुना का टेकरी दरबार बहुत सुंदर है और बहुत विशाल भी है, सुंदर होने के साथ साथ बहुत विशाल दरबार है। और अभी तो कंटिन्यू काम चल ही रहा है तो अभी ये दरबार और बड़ा होने वाला है। यहाँ पर कितने लंगर हॉल है? ऊपर चल बापे।
वो कोई नहीं, उधर से चलते हैं, उधर से चलते। कितने लंगर हॉल है यहाँ पे? आठ। ये देखिए भंडारा बन रहा है यहाँ पे, और हम लोगों ने भी आज दाल बाफले कड़ी और इस सब का भंडारा खाया है। और ये बहुत विशाल दरबार है यहाँ पे, आठ के करीब, सात आठ के करीब लंगर हॉल है, और यहाँ पे आए दिन भंडारों का आयोजन किया जाता है। और ये टेकरी दरबार बहुत ही सुंदर है, टेकरी सरकार की कृपा से सबका काम होता है, बिगड़े हुए काम सबके बनते हैं। ये टेकरी सरकार बहुत ही सुंदर है। और ये टेकरी सरकार के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए मंदिर की जो कलाकारी की गई है मंदिर पे, मार्बल के पत्थर पे। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी। ऐसा लगता है किसी रजवाड़ों के महल में आ गए। बहुत सुंदर टेकरी सरकार का मंदिर है। और ये मंदिर प्रांगण में हमारे भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ को भी पहाड़ों में ही अच्छा लगता है। चलिए आपको भोलेनाथ के भी दर्शन करवाते हैं हम साथ में। देखिए ऊपर गुंबद में नमः शिवाय कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। गुंबद बहुत सुंदर लग रहा है, और गुंबद के साथ साथ ये भोलेनाथ हमारे ऐसा लगता है कैलाश पर्वत पे विराजमान है। ये हमारा भोलेनाथ का बहुत सुंदर सा मंदिर। ना भाभी हैं आप सब जानते हैं इनको, पूरा गुना जानता है और मैं भी जानती हूँ। चलिए ये भी मुझे टेकरी पे मिल गई, और आज ये मुझे याद कर रही थी, ये बोल रही है तेरी उम्र बहुत लंबी है, मुझे इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए, चलते फिरते भगवान जी चला देना, इतनी उम्र चाहिए। चलते फिरते तो सब कोई बहुत बिल्कुल नहीं, बट बहुत अच्छा लगा टेकरी पे, यहाँ पे काफी सारे लोग मिल गए तो अच्छा लगा। बहुत दिन में ऐसे मिलना हो जाता है, इतने दिन में मिलना हो जाता है बहुत दिन बाद, तो बहुत अच्छा लगता है, आज बहुत अच्छा लगा। चलो जय श्री राम। ये हम लोग खा रहे हैं भंडारे का प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आज हमको तीन तीन चार चार जगह खाना खाने को मिलेगा। ये यहाँ पर टेकरी पे काफ़ी बड़े बड़े लंगर हॉल बने हुए हैं, यहाँ पे भंडारे होते ही रहते हैं, और पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और ये फूलमाला वाले सब लोग यहाँ पर रहते हैं। आप लोग जब भी गुना आए, गुना के लोग तो खैर आते ही हैं हर मंगल शनि, बट गुना के बाहर के लोग जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वो लोग जब भी गुना आए तो हमारे टेकरी सरकार के दर्शन जरूर करके जाएं। देखिए टेकरी सरकार से हमारे गुना का नज़ारा कितना सुंदर। हमारे गुना में भी प्रभु श्री राम ने बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल बना रखा है। देखिए पूरा गुना यहाँ से दिखता है, और ये जो पैदल लोग आते हैं उनके लिए रास्ते में बेंचें बनी हुई हैं, पूरे रास्ते बेंचें बनी हुई हैं। और ये पैदल मार्ग यात्रियों के लिए अलग से बना हुआ है, क्योंकि मंगल और शनि को सुबह 4 बजे से लोग पैदल आना शुरू हो जाते हैं, तो जब वो पैदल आते, देखिए ये लोग भी पैदल आए हैं। अब जब थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए काफ़ी सारी बेंचें पूरे रास्ते लगाई हुई हैं। और हर मंगलवार शनिवार हमारे टेकरी सरकार पे बहुत भव्य मेला लगता है, झूले भी आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रश होता है, आरती के समय पूरा मंदिर भर जाता है, इतना रश होता है। और आज मकर संक्रांति है,
तो बाबा ने हम लोगों को भी भंडारे के बहाने बुला लिया और आज भी मेला लगा हुआ है यहाँ पर, नीचे झूले वगैरह सब लगे हुए हैं। देखिए आज मेला लगा हुआ है और ये लंगर के हॉल और बनते जा रहे हैं। अभी एक नया हॉल का और निर्माण हो रहा है, तो ये हमारे टेकरी सरकार की महिमा बहुत भारी है। कोई भी सच्चे दिल से यहाँ आके अर्जी लगाता है तो उनकी अर्जी ज़रूर पूरी होती है। ये देखिए मिक्की माउस, मिक्की माउस देख के हमें अपना बचपन याद आ जाता है, हम भी बच्चे बन जाते हैं। ये देखिए मेला लगा हुआ है टेकरी सरकार का।